योगगुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज लीवर की परेशानियों को दूर करना है। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और ये लीवर की सारी परेशानियां दूर होंगी, मैं आपको अंगुष्ठासन से प्रणाम कर रहा हूँ। इसके में थोड़ा संतुलन बनाना मुश्किल, बड़ा टाइम हो गया ये भी ट्राई किए हुए, करते हैं कोशिश, हम भी ट्राई करते हैं। तो अब देखो, जो पद्मासन में बैठ सके वो पद्मासन में, नहीं तो वज्रासन में बैठ करके फैटी लिवर के पहले 10 अभ्यास बता रहे हैं मेरे साथ। यहाँ बैठे हुए प्रमाण है, ये पूरे जो लेटा हुआ है जिसके ऊपर मिट्टी पट्टी कर रहे हैं, ठंडा गर्म पानी का सेक कर रहे हैं, ईश्वर लाल जी, मंजरी शरण जी, गजेंद्र विश्वाल जी, देवेंद्र जी, अर्चना जी और अन्नपूर्णा जी, ललित किशोर जी, फैटी लीवर के ये इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कुछ दुबले पतले भी हैं, और एक तो ये सुनील, ए खड़ा हो, ये 10 रोटी खा जाता था, रे राम राम राम, देखने में दुबला पतला, मैं खाऊं 2 और चेला खाए 10। अब ये बैठ जा 10 रोटी खा जाता था। अब ये देखो, पतले लोगों को भी फैटी लीवर हुआ है, बाई तरफ एग्जाम्पल है, झुको मंडू का आसन करो, और ये देखो मोटा सा है पीछे एक संजय खड़ा होना, रे संजय कितना वजन कम कर लिया, कहां से आए हो, 6 दिन में कितना वजन कम किया, 6 किलो गुरु जी, 101 किलो था, अभी 95 है। और ये फैटी लीवर कैसे किया, फैटी लीवर मेदो और वटी और आपके जो डाइट से वगैरह सब फॉलो करके बहुत ही ज्यादा आराम हुआ है गुरुजी। फैटी लीवर भी हो गया था, पेट भी बढ़ गया था। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मंडूकासन चलो करो भाई, फैटी लीवर भी फैट भी जाएगा। और देखो आप जो डरा रहे थे वो सच्ची बात है कि ये ट्रांसफर होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, चमड़ी की, हड्डियों की, आंखों की, कानों की, दिमाग की, सारी बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, 100-200 साल पहले हमारा डीएनए ठीक था, ये बीच में उस डीएनए में डिस्ट्रक्शन आया है, उसमें गिरावट आई है, ये बाहर की मिलावट से, खाने पीने की चीजों में मिलावट, बहुत पोल्यूशन, बहुत अलग प्रकार से जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, बहुत कुछ चल रहा है समाज के अंदर, उससे जो गड़बड़ी आई थी, हम मंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, इससे अब बातें तो ये छोटी छोटी है, और ये छोटी छोटी ये भूम्यावला, ये पुनर्नवा, ये मको, ये जो है गुजरात में इसको बंदर पीछे कहते हैं, ये संजीवनी घास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और जो सबको ये ना मिले तो ये सर्वकल्प क्वाथ, ये कायकल्प क्वाथ, इससे हमने, और बकरी के दूध का कल्प, ये भी बड़ा जबरदस्त है, और इसके साथ ये खाले यदि गुलकंद, तो बात ही क्या है। हम औषधि भी बताते हैं लेकिन पहली प्राथमिकता हम योग को देते हैं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम रेमेडी, छोटे छोटे घरेलू उपाय, ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी अब लाखों करोड़ों लोग अपने घर में ही पीने लग गए, अंकुरित खाने लग गए, सुबह उठ करके अनार और सेव का सेवन करने लग गए, खाने के ऑर्डर में पहले सलाद और फल और बाद में पका हुआ, इतनी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रोगों को लोगों ने परास्त कर लिया है। अब देखो, अच्छा स्वामी जी, आमतौर पर बातचीत जब भी कहीं होती है तो ये माना जाता है कि फैटी लिवर की परेशानी जो है वो ज्यादातर मोटे लोगों को होती है, यही आम धारणा है, लेकिन एक नई रिसर्च ये कह रही है कि दुबले पतले लोगों में भी ये परेशानी देखी जा रही है, और इसे नाम दिया गया लीन नैश, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेटिक हेपेटाइटिस, इसमें आंतों के बैक्टीरिया में बदलाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में स्वामी जी, आंतों में इन्फेक्शन के साथ साथ
लिवर की परेशानी को कैसे ठीक किया जाए, बल्कि लिवर को हेल्दी कैसे रखा जाए, इसके लिए योगाभ्यास तो आपने बताया, लेकिन ये जो नई प्रॉब्लम आई दुबले पतले लोगों वाली, इस तरह के कितने केस आपने देखे, आपने इसको अब तक कैसे हैंडल किया, कितने लोगों को ठीक किया? देखो, एक तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे जो अर्धमत्स्यंद्रासन निकल सकते हो, वक्रासन तो कर ही सकते हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर जो मोटे हैं उनको तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जो दुबले पतले वो इजीली कर पा रहे हैं वक्रासन को, गोमुखासन को। और मैंने ठीक किया, एक तो सुबह सुबह मैं लोगों को वीटग्रास पिलाता हूँ। देखो, सर्दी में बहुत अच्छा होता है वीटग्रास, और गर्मियों में भी लोग छाओं में बोले थे तो वहां हो जाता है, घर के अंदर बोले थे। 12 महीने वीटग्रास हम लोगों को फ्रेश उपलब्ध कराते हैं, वीटग्रास पिलाते हैं। ये फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, दुबले हों, पतले हों, मोटे हों, जेनेटिक हो, कैसे भी हो, अल्कोहल से हो, नॉन अल्कोहलिक हो, किसी भी कारण से लीवर के फंक्शंस बाधित होते हैं। देखो, फैटी लीवर होता है जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, तला हुआ, भुना हुआ, ये दरअसल फ्राइड चीजें ना बहुत अच्छी लगती है खाने में तो, लेकिन इनको जब खाते हैं तब मजा आता है, लेकिन बाद में सजा ऐसी भोगनी पड़ती है। जैसे उनको हम उबाल उबाल के खाते ना, फ्राइड सब्जियां खाते हैं मिक्स वेजिटेबल में, मैंने देखा घी में तेल में सब्जियां तल रहे हैं, बोले बड़ा मजा आया। ये जो तली हुई चीजें हैं, इनका ये जो फैट है, ये धीरे धीरे करके इसकी एक लेयर बन जाती है, और वो ही उसकी फिर ग्रेडिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड। ऐसे ही जो अलग अलग प्रकार का गंदा पानी पीते हैं, उससे जो है हेपेटाइटिस, कोलाइटिस और पेट के और इंडाइजेशन आदि की बहुत तरह की डायरिया, बहुत IBS, बहुत तरह की समस्याएं हो जाती है। तो गंदा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मैं आज यदि एक बार भी पेट की किसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं हुआ तो मैं पानी पीने में बहुत ध्यान रखता हूं। एक बार भी कभी भी गंदा पानी तो बहुत दूर की बात रही, मुझे मैंने तय कर रखा है कि पानी हमेशा शुद्ध ही पीना है। तो एक बार भी भगवान की कृपा से मैं लाखों किलोमीटर, 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा घुमाऊं, कोई दिक्कत नहीं भी, खाली पीने, पीना मतलब दूसरे वाला पीना नहीं, पानी के, पानी पीना, पानी पीने, पानी के पीने का ध्यान रखा। फिर ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें, सूजन आ जाए आंत में तो पुनर्नवारिष्ट, पाचन कमजोर हो जाए तो कुमारियासव, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, फिर IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाए, कोलाइटिस हो जाए तो कुटजारिष्ट, ऐसी छोटी छोटी, भूख कम लगे तो द्राक्षासव, ये सब मैंने आज अपने सामने रखा है। खाने के बाद थोड़ा सा ये एप्पल का और जामुन का सिरका, ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई है। फिर दूध गाय का और भैंस का नहीं देते, बकरी का देते हैं हम यहाँ अपने पेशेंट्स को, अंकुरित जरूर खिलाते हैं, अभी भी मेरे सामने अंकुरित रखा हुआ है, और थोड़ी सी मात्रा, दो तीन बादाम, दो तीन अखरोट, 5-7 मुनक्का काला या ऐसे लाल वाला होता है, और ये अंजीर 2-1-2-3, इससे ज्यादा नहीं देते, बस इतना सा देते हैं। और हम देखते हैं साहब, जिनका मतलब पानी के एक बूंद भी हजम नहीं हो रही थी, भूमियावला बुलाया, भूमियावला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाग, और ये जो एरेंड है ना, इसका भी 1-2 चम्मच रस, ये जोंडिस को, हेपेटाइटिस को ठीक कर देता है। इंद्रायण का मूल भी ऐसा ही होता है, अर्क, आखड़ा, आंखी की छाल, उसका जो छिलका होता है ना, अर्क मूल का छिलका, उसको भी एक चुटकी भर, रत्ती भर जिसको बोलते हैं, उतना वह भी लीवर के लिए परम औषधि होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन और पीने में जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी, ये पाचन तंत्र के लिए रामबाण का काम करता है। वैसे स्वामी जी, के जब वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, फैटी लिवर के बाद लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में वायरस लोड जिनका 5 करोड़ तक बढ़ा हुआ था, 1 महीने में उसको हमने नेगेटिव किया है।